अस्सलाम वालेकुम डियर चिल्ड्रंस, आई एम योर साइंस टीचर मोहम्मद फैसल। टुडे आई विल टीच यू द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर जनरल साइंस विच इज़ ऑन पेज नंबर 1, एनिमल्स। तो सब बच्चे पेज नंबर 1 के जो आपके बुक का पेज नंबर 1 है वो साथ साथ देखा करें, ठीक है। देखो बच्चों, आज हमारा टॉपिक एनिमल्स है और फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स के जो मेन दो ग्रुप्स है, दो अकसाम है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। देखिए वर्टिब्रेट्स, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, देखिए वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ स्पाइनल कॉलम एंड अ स्केलेटन formed from bones. The skeleton holds up and protects the body. देखिए vertebrates कौन से जानवर हैं, vertebrates किसे कहते हैं, कौन से जानवर vertebrates की कैटेगरी में आते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन को आप लोग देख लें, vertebrates are animals that have a spinal column. Spinal column mean vertebral column, यानी रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। आप अपने गर्दन पे पीछे हाथ पैर लेना तो आप लोगों को फील हो जाएगी कि व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम आर स्पाइनल कॉलम, बोथ आर द सेम थिंग्स, ओके। एंड अ स्केलेटन, स्केलेटन कहते हैं बच्चों ढांचे को। अगर आप लोग देख लेना जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसकी जो बॉडी है, जिसका जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, द फ्रेमवर्क ऑफ देयर बॉडीज इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स एंड दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन, जिसको कहते हैं उर्दू में ढांचा। अब देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन, इस ढांचे का काम क्या है हमारे बॉडी में। आप लोग जरा खुद सोचे बच्चों, देखिए अगर हमारे बॉडी में ये ढांचा यानी स्केलेटन ना होता तो हम कैसे चल फिर सकते थे, हम कैसे, हम खड़े हो सकते थे, हम भी बिल्कुल फ्रॉग की तरह बिल्कुल या जितने भी ये इंसेक्ट वगैरह है उनकी तरह जमीन के साथ रेंगते फिरते थे। और जो हमारी बॉडी है, जिस तरह खूबसूरत पोजीशन में अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बनाई है, जिससे हम मुख्तलिफ किस्म के मुशक्क़त का काम करते हैं, तो हम इसको नहीं कर पाते। इट्स ऑल दीज फंक्शंस आर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू स्केलेटन, ये स्केलेटन की वजह से ये पॉसिबल है। देखिए दूसरा जो फंक्शन है स्केलेटन का, द स्केलेटन होल्ड्स अप एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। ये स्केलेटन हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप लोग अपने रिबकेज को देख लेना, पसलिया ज़रा पसलियों को आप लोग देख लेना तो आप लोगों को फील हो जाएगा कि ये हमारे बॉडी के जो अंदर जो डेलिकेट पार्ट्स है, यानी लंग्स, फेफड़े और हार्ट, जो दिल है आप लोगों का, ये इस रिबकेज की वजह से, यानी रिबकेज जो हमारे स्केलेटन का एक पार्ट है, ये इसी की वजह से ही ये प्रोटेक्टेड है। अगर ये रिब केजेस इसके ऊपर नहीं होते तो हम मामूली चोट से भी हमारा हार्ट और हमारे लंग्स को बहुत बड़ी नुकसान पहुंच सकती थी। तो देखिए इस तरह आप लोगों को इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं ना रिब केजेस, ये स्पाइनल कॉलम यानी वर्टिब्रल कॉलम के नीचे जो आप लोगों को हड्डियाँ नज़र आ रही है, दीज आर द बोन्स ऑफ स्केलेटन। अब दुनिया भर में जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो सब के सब जुआलोजिस्ट ने यानी बायोलॉजिस्ट ने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गई है। आर सिंपली वी कैन से दैट द वर्टिब्रेट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 सब ग्रुप्स। द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिश। फिश इज़ आल्सो वर्टिब्रेट, देखिए फिश भी वर्टिब्रेट है, इसमें भी वो होता है, ठीक है, यानी बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम इसमें पाई जाती है। लाइन नंबर 1 को देखिए, फिश लिव इन वाटर एंड ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। ये फिश कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आप लोगों को पानी के इनसाइड मिलेंगे यानी पानी में मिलेंगे, और ये जो ब्रीथिंग करते हैं ना, ब्रीथ्स मीन सांस लेना, ये सांस किस जरिए से लेता है, ये सांस लेते हैं गिल्स के ज़रिए से। गिल्स ये
ये कानों जो कान होते हैं ना, जो आप लोगों को कान की तरह एक यहाँ पर होल्स नज़र आते हैं फिश में, फिश में अगर आप उसको उठा लेना, जिससे मछली को देखा जाता है कि ये बासी है या फ्रेश है, दीज आर कॉल्ड गिल्स। ये क्या है? ये गिल्स है, फिश ब्रीथ थ्रू दीज गिल्स। अब देखिए, दस दियर स्किन इज कवर्ड इन स्केल्स एंड दे हैव फिन्स टू स्विम। जो फिशेस की, यानी जो फिश की स्किन है, ये इसमें इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि इसके ऊपर स्केल्स होते हैं। स्केल्स वो अक्सर आप लोग चूरी से, इसको पकाने से पहले चूरी से हटाते हो ना, तो आप लोगों को इस तरह वो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे ना, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड स्केल्स। और ये स्लिपरी टच वाले स्केल्स होते हैं, ये स्लिप होते हैं, ये इस वजह से ये प्रीडेटर से महफूज रहते हैं और किसी के, मतलब किसी जानवर के यानी या इंसान के हाथ में आसानी से नहीं आते हैं। तो दे एक्चुअली प्रोटेक्ट, दी स्केल्स प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ फिशेस एंड दे हैव फिन्स टू स्विम। फिन्स कहते हैं वो मछलियों के, आप लोगों के छोटे छोटे परों को देखा होगा ना, दीज आर कॉल्ड फिन्स, जिस तरह पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सो दे मूव बाय द हेल्प ऑफ दीज फिन्स, और वी कैन से दैट फिश स्विम्स बाय द हेल्प ऑफ फिन्स। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स आर एम्फीबियंस। देखिए, एम्फीबियंस, याद रखिए कि एम्फीबियंस वो जानवर जो खुश्की में भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, यानी ज़मीन पे भी ये जिंदा रह सकते हैं, और अगर ये जानवर पानी में कूदे तो वहाँ पर भी ये जिंदा रह सकते हैं। देखिए, एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऑन लैंड मीन ज़मीन पे। एम्फीबियंस ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। दियर बेबीज लिव इन द वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। एक बात याद रखिए, इसके जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, जब वो पैदा हो जाते हैं ना, तो इसके उस वक्त कान यानी एयर और इसमें, सॉरी, उसमें लंग्स ये डिवेलप नहीं होते हैं। कान नहीं, लंग्स, ठीक है, आई एम सॉरी, मिस्टेकनली आई यूज द वर्ड एयर्स और हेयर। सो दियर बेबीज लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। उनके जो बच्चे हैं ये पानी के अंदर रहते हैं और ये जो सांस लेते हैं ये गिल्स के ज़रिए लेते हैं, और जो एडल्ट्स होते हैं एक बार जब ये बड़े हो जाए तो फिर ये लंग्स के ज़रिए और अपने स्किन के ज़रिए ये सांस लेते हैं। जिस तरह, और एम्फीबियंस की मिसाल क्या है, देखिए, फ्रॉग और ये न्यूट। फ्रॉग तो आप लोग जानते हैं, मेंढक को कहते हैं, और न्यूट कहते हैं, ये एक आबी छिपकली है। ये एक छिपकली की तरह, एक छिपकली सी जानवर है जो पानी के अंदर अमूमन रहते हैं। द थर्ड ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स आर रिप्टाइल्स। ये रिप्टाइल्स, बच्चों देखिए, ये अक्सर ये ज़मीन पे रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं। ए लॉट ऑफ रिप्टाइल्स लिव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। ज़्यादातर जो रिप्टाइल्स है ये खुश्की पे रहते हैं और बहुत कम ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। रिप्टाइल्स जो सांस लेते हैं ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, स्किन के ज़रिए सांस नहीं लेते हैं। देखिए, याद रखिए, यहाँ पर जो आप लोग फ्रॉग और न्यूट वगैरह को देख रहे होते ना, तो दीज आर एम्फीबियंस एंड दे कैन ब्रीथ बोथ थ्रू लंग्स एज वेल एज स्किन। ये स्किन के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं और स्किन के साथ साथ ये लंग्स के ज़रिए भी सांस लेते हैं, बट रिप्टाइल्स ओनली ब्रीथ थ्रू लंग्स। दियर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स एंड सम हैव अ शेल। इनका जो स्किन है ये, इसके ऊपर भी स्केल्स होते हैं। स्केल्स इसके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, और बास रिप्टाइल्स के, जिस तरह आप लोग देखें ना, स्केल्स, ये फिश के स्किन के ऊपर आप लोगों को स्केल्स नज़र आ रहे हैं ना, एक्चुअली दी स्केल प्रोटेक्ट्स द बॉडी और इंटरनल स्किन। और बाज में शेल्स पाए जाते हैं। देखिए, शेल्स, जिस तरह क्रोकोडाइल का ये शेल है ना, ये एक ढाल जैसी होती है, और ये इनकी जो इंटरनल बॉडी पार्ट है, डिडिकेट यानी नाजुक बॉडी पार्ट्स है, ये इसको एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वेडर से या जो भी बाहर से इसको कोई ख़तरा लाहक हो उससे। द थर्ड ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर बर्ड्स। वट इज़ बर्ड्स? देखिए, बर्ड्स परिंदों को कहते हैं। परिंदे आप लोग जानते हैं ना, देखिए, जितने भी परिंदे हैं, चिड़िया है, तोते हैं, उकाब है,
जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ऑल दीज आर बर्ड्स। बर्ड्स की क्या खसूसियत है? देखिए, बर्ड्स लिव ऑन लैंड एंड इन द एयर। बर्ड्स ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और ज़मीन के साथ साथ ये हवा में भी रह सकते हैं। देखिए, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। याद रखिए कि द बर्ड्स ओनली कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये बर्ड्स जो सांस लेते हैं, ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को, यानी इसमें फेफड़े अल्लाह ताला ने बनाए हैं। दे हैव फीदर्स एंड विंग्स। याद रखिए कि जो बर्ड्स हैं, इनके पर होते हैं और पर के साथ साथ इनके विंग्स भी होते हैं। विंग्स असल में इन बर्ड्स की ये मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं जिसके ऊपर फीदर्स पाए जाते हैं, और ये इस विंग्स और फीदर्स के ज़रिए ये हवा में उड़ने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इसको परिंदों को अता की है। जिस तरह तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं ना, ईगल है और हमिंग बर्ड है। देखिए, एक ईगल और एक हमिंग बर्ड। याद रखिए बच्चों कि हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड नाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये हमिंग बर्ड जो है, ये दुनिया का सबसे छोटा परिंदा भी माना जाता है। देखिए, इन दोनों के विंग्स भी है और फीदर्स भी है। द फोर्थ ग्रुप ऑफ वर्टेब्रेट्स आर मैमल्स। अब देखिए, व्हाट इज मैमल्स या व्हाट इज मैमल? मैमल को उर्दू में कहते हैं ममालिया जानवर। अब ममालिया जानवर कौन से जानवर है? देखिए, ममालिया जानवर यानी मैमल्स, वो जानवर जो बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो बच्चे देते हैं और बच्चे देने के साथ साथ अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो ऐसे जानवरों को कहते हैं मैमल्स। इससे पीछे अगर आप लोग देख रहे थे ना, इससे पीछे बर्ड्स थे ना, बर्ड्स थे, इसके अलावा रिप्टाइल्स थे या एम्फीबियंस थे या फिश थे। तो इन चारों में ये खसूसियत पाई नहीं जाती है कि ये अपने बच्चों को क्या, अपने बच्चों को दूध दे दे या इससे उसी तरह के छोटे बच्चे पैदा हो जाए। ये अंडे देते थे, ठीक है, लेकिन एम्फीबियंस ये अंडे नहीं देते हैं और ये इनसे उसी की तरह छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह अगर आप लोग देख लेना, गोट यानी बकरी एक मैमल है ना, तो बकरी का बच्चा आप लोग देख रहे हैं। बकरी को कभी आपने देखा है कि अंडा दिया है? नहीं दिया है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली उस बकरी की तरह ही एक छोटा सा प्यारा बच्चा पैदा हो जाता है। इस तरह अगर आप लोग गाय देख ले, भैंस देख ले, इवन ह्यूमन बींग, हम इंसान भी मैमल्स है, ठीक है ना। अब देखिए, मैमल्स की खसूसियात क्या है? व्हाट इज मैमल? अलॉट लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड फ्यू ऑफ देम लिव इन वाटर। ज़्यादातर जो मैमल्स है वो ज़मीन यानी खुश्की पे रहते हैं और बहुत कम ऐसे हैं जो पानी में पाए जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। याद रखिए कि जो मैमल्स है, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। दियर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन। यहाँ पर इन है लेकिन यहाँ पर विथ होना चाहिए बच्चों। दियर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन एंड फर। इनकी जो बॉडी है ये कवर्ड, इसके ऊपर स्किन यानी जिल्द होती है और उस जिल्द के ऊपर फिर फर। ये फर आप लोग देख रहे हैं ना, जिस तरह तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं ना, जिस तरह ऊन किस्म का होता है, जिस तरह ये बेर के ऊपर होता है, या इस तरह जो ज़्यादातर मैमल्स है इसके ऊपर ये छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं ना, इट मेक्स इट्स फर, इसको कहते हैं फर। इनके स्किन के बॉडी जो मैमल्स की है ये कवर होती है किस चीज़ से? ये स्किन से और फर से इसकी बॉडी कवर होती है। दियर बेबीज फीड ऑन दियर मदर्स मिल्क। और इनके जो बच्चे होते हैं ये अपने माओ का दूध पीते हैं। यहाँ पर अकल आप लोग देख लेना, इस पिक्चर के लेफ्ट साइड पे आप लोग देख ले, उसको आप लोगों को सी सील्स यानी समंदरी सील्स आप लोगों को नजर आई। दीज आर एक्चुअली मैमल्स ऑफ वाटर, मैमल्स ऑफ सी। और जो राइट साइड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बियर्स, ये बियर्स क्या है? ये भी मैमल्स है लेकिन ये खुश्की पे पाए जाने वाले मैमल्स है। अब देखिए, क्लासीफाइंग वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को मजीद क्लासीफाई किया गया है तीन ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? ऑन द बेसिस ऑफ दियर मूड ऑफ न्यूट्रिशन द वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स। सबसे पहले तो आप लोग ज़रा देख लें कि जो हाउ दे ब्रीथ, मतलब वर्टिब्रेट्स किस तरह सांस लेते हैं। तो याद रखिए कि वर्टिब्रेट्स जो है ये
तीन तरीकों से ये सांस लेते हैं, दे ब्रीथ इन थ्री डिफरेंट वेज। देखिए, सम वर्टिब्रेट्स ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर थ्रू गिल्स, जो समंदर में, पानी में, दरियाओं में, पानी के अंदर रहने वाले जो वर्टिब्रेट्स है, ये जो सांस लेते हैं ये गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, जिस तरह फिश वगैरह है, ठीक है। नंबर दूसरे नंबर देखिए, अदर ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स, और बाकी जो है ये लंग्स के ज़रिए जो वर्टिब्रेट्स है, जिस तरह मेमल्स है, बर्ड्स है, रिप्टाइल्स है, ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ये लेते हैं लंग्स के ज़रिए। गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। और जो तीसरी किस्म है, यहाँ पर तो टू लिखा है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई है नंबर डालने में, ये नंबर थ्री है। नंबर थ्री इज़ एम्फीबियंस कैन ब्रीथ थ्रू दियर स्किन एज वेल एज दियर लंग्स। एम्फीबियंस जो है ये स्किन के ज़रिए भी सांस लेते हैं और लंग्स के ज़रिए भी सांस लेते हैं। अभी इस बी की तरफ आए, व्हाट दे ईट, वर्टिब्रेट्स खाते क्या है, क्या चीज़ खाते हैं। देखिए, कार्निवोर्स ईट अदर एनिमल्स यानी वोल्व्स। देखिए, इनकी तीन किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक के लिहाज से इनकी तीन किस्में हैं। नंबर फर्स्ट वन जो है वो कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स कहते हैं, उसको उर्दू में कहते हैं गोश्त खोर जानवर, यानी वो जानवर जो गोश्त खाते हैं, जिस तरह वोल्व्स है यानी भेड़िया, इसके अलावा लायन, चीता, ये जितने भी जानवर है ये गोश्त खोर जानवर जो होते हैं, जो गोश्त खाते हैं ना, या जो दूसरे जानवरों को डायरेक्ट खाते हैं, उसको कहते हैं कार्निवोर्स। नंबर सेकंड वन हर्बीवोर्स। देखिए, हर्बीवोर्स कहते हैं ये स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बच्चों, देखिए ये हर्बीवोर्स है, ठीक है, एच ई आर बी आई वी ओ आर ई एस, सो इसको ठीक कर ले। हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स। हर्बीवोर्स वो जानवर जो पौधों को खाते हैं, यानी जो सब्जा खाता है, ग्रीनरी को खाते हैं, घास को खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हर्बीवोर्स कहते हैं। और हर्बीवोर्स जिस तरह आप लोगों को पता है, जिस तरह गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्या है, दीज आल आर हर्बीवोर्स। द थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। देखिए बच्चों, ओमनिवोर्स कौन से जानवर है, ओमनिवोर्स वो जानवर जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, मतलब गोश्त भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, इंसान, इंसान है ना, हम इंसान क्या है, हम ओमनिवोरस है, हम पौधे भी खाते हैं। आप लोग अभी आप लोग सोचेंगे कि हम कैसे पौधे खाते हैं, हम बकरी तो नहीं है ना, आप लोग साग खाते हैं ना, आप लोग टमाटर खाते हैं ना, आलू खाते हैं ना, हम गन्ना चूसते हैं ना, ये जितने भी हम जो रोटी खाते हैं गंदम से बनी है ना, ये क्या है, ये सब प्लांट्स है ना। इसके अलावा हम गोश्त भी खाते हैं। गोश्त हम कैसे खाते हैं, देखिए आप लोग चिकन खाते हो ना, मुर्गी को, ये ओमनिवोर्स खाते हैं ना, क्योंकि ये तो ओमनिवोर्स वाली क्वालिटी है। इसके अलावा हम लोग गाय का, बकरी का, भेड़ का, भैंस का गोश्त भी खाते हैं, फिश का गोश्त भी खाते हैं, तो क्या है, ओमनिवोर्स, हम ओमनिवोर्स है, सॉरी। ओमनिवोर्स मीन दोस एनिमल्स या दोज वर्टिब्रेट्स विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। अब ओमनिवोर्स जिस तरह इंसान है, इंसान के अलावा जो कौवा है ना, कौवा, क्रो, ये भी दोनों चीज़ें खाते हैं, इसके अलावा हेन है, ये सारी की सारी क्या है, ये ओमनिवोर्स है इंसानों के साथ ही। अब हाउ दे रिप्रोड्यूस, ये जानवर कैसे रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन कहते हैं कि किस तरह अपने बच्चों को पैदा करते हैं। देखिए, मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर ओविपेरस। ओविपेरस कौन से जानवर होते हैं, ओवा कहते हैं एक को और पेरस कहते हैं देने को। देखिए, वो जानवर जो अंडे देते हैं उसको कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। और ओविपेरस एनिमल्स कौन कौन से है, देखिए मेमल्स के अलावा ये जितने फोर ग्रुप्स है वर्टिब्रेट्स के, ये क्या है, दीज आर एक्चुअली ओविपेरस, यानी फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स। दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं, ठीक है, इससे इसके बच्चे पैदा नहीं होते, जिस तरह टर्टल है, बर्ड्स है, एट्सेट्रा है। और जो दूसरी किस्म जानवरों की है वो क्या है, सम वर्टिब्रेट्स यानी द मेमल्स। मेमल्स जो होते हैं दे आर विविपेरस। विविपेरस वो जानवर होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे जिससे पैदा होते हैं, जो अंडे नहीं देते हैं, जिससे बच्चे पैदा होते हैं और ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसको कहते हैं विविपेरस यानी मेमल्स जो है ये क्या है, ये विविपेरस है, जिस तरह हॉर्स है, ह्यूमन बीइंग है, ये बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध देते हैं।
अभी बेटा व्हाट इज इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स कौन से जानवर है? देखिए इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर, देखिए इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम और अ स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स। वो जानवर जिसमें स्पाइनल कॉर्ड सॉरी यानी वर्टिब्रल कॉलम और स्केलेटन पाया नहीं जाए, जिसमें मौजूद ना होना, उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। देखिए सम इनवर्टिब्रेट्स आर जेली फिश, वॉर्म्स, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स। ये जितने भी आप लोगों को तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ना, ऑल दीज एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। जिस तरह जेली फिश है, आर्थ्रोपोड्स है, इसके अलावा मोलस्क है या वॉर्म्स है, ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं आप लोग को दिखाई दे रहे हैं ना, ऑल दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। अब देखिए मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की तादाद इस कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स ये बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में आप लोग इनवर्टिब्रेट्स या कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हजरतुल अर्ज देखोगे। मेनी ऑफ देम लिव इन द सी एंड आर वेरी स्मॉल, ज़्यादातर समंदर में भी ये रहते हैं। दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी बिकॉज दे डू नॉट हैव स्केलेटन, इनकी बॉडी इंतहाई नरम होती है क्योंकि इसमें ढांचा नहीं होते, स्केलेटन नहीं होते। मेनी हैव अ शेल और एग्जोस्केलेटन टू प्रोटेक्ट दियर सॉफ्ट बॉडीज, इनमें ज़्यादातर जो है इनके बॉडीज के ऊपर या तो शेल पाए जाते हैं और या एग्जोस्केलेटन। एग्जोस्केलेटन जिस तरह आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, दीज आर एक्चुअली द टफ लेयर मेनली कंपोज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम से बनी हुई ये एक टफ लेयर होती है इसके बॉडी के ऊपर, जो इसके बॉडी के इंटरनल नरम बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, ये महफूज रखती है। जिस तरह देखिए आप लोगों को शेल भी दिखाई दे रहा है इस मोलस्क के ऊपर, और इसके अलावा अगर आप लोग इस तरफ देखें ना, तो इस कैटरपिलर के बॉडी के ऊपर आप लोगों को एग्जोस्केलेटन भी नज़र आ जाएगी। अब देखिए क्लासिफाइंग इनवर्टिब्रेट्स, हाउ वी कैन क्लासिफाई इनवर्टिब्रेट्स, देखिए what they eat. तो on the basis of mode of nutrition, first of all, they are carnivores, herbivores and omnivores. carnivores, herbivores and omnivores. अब carnivores क्या है जो गोश्त खाते हैं, herbivores क्या है जो घास खाते हैं, और omnivores क्या है जो दोनों को खाते हैं, घास भी खाते हैं और इसके अलावा गोश्त को भी खाते हैं जिस तरह इंसान है। How they breathe, सांस ये कैसे लेते हैं, some breathe through their skin, other through gills. बास स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं, बास गिल्स के ज़रिए, और ज़्यादातर जो है वो लंग्स के ज़रिए। हाउ दे रिप्रोड्यूस, इसके बच्चे पैदा कैसे पैदा होते हैं, कैसे बच्चों को जन्म देते हैं, तो देखिए ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर ओविपेरस, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो क्या है, वो ओविपेरस है। इसके जो बच्चे होते हैं इनके बच्चों को यानी दियर यंग वंस आर कॉल्ड लार्वा, ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, बच्चों को। Their offspring are called larva. When they grow, some of them change shape. और फिर जब ये बड़े होते हैं ना, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के इसके बॉडी में चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन सिंपली इतना याद रखिए कि जो इनवर्टिब्रेट्स है इनमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब यह है कि इसके जो बच्चे पैदा हो जाते हैं ना इनवर्टिब्रेट्स के, तो ये बहुत मुख्तलिफ होते हैं अपने पेरेंट्स से, ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, और फिर इसमें चेंजेस होती रहती है, जब एडल्ट बन जाए तो ये अपने पेरेंट जैसी हो जाती है। अभी आप लोगों ने ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर्स आप लोगों ने इस पिछले टॉपिक को जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इन सब से उनके जो इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो सब आप लोग निकाल लें और कॉपी पे साफ पेज पे लिख के मुझे सेंड कर दे। शाबाश, इसको देख ले, यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर ले, सारे क्वेश्चंस को पेज पे लिख के आंसर उसके मेरी वीडियो में देख ले और फिर मुझे सेंड कर ले, और फिर इसको मैच कर ले। देखिए मैच दीज वर्ड्स, जो एम्फीबियन है एम्फीबियन के साथ मिला ले, जो फिश है फिश के साथ, जो रिप्टाइल है रिप्टाइल के साथ। अगर तस्वीर इसके अच्छे प्रॉपर तस्वीर बना ले, अगर तस्वीर नहीं बना सकते तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैरट, चीता, फिश, इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, थीके?
और अभी लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो तस्वीर में आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं ना, पिक्चर में जो जानवर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इनके दो दो खसूसियात आप लोगों ने लिखने हैं। फॉर एग्जांपल स्नैक है ना, स्नैक का पहला नंबर क्या है, पहले नंबर पर आप लोगों को स्नैक दिखाई दे रहे हैं ना, तो स्नैक क्या है, स्नैक रिप्टाइल है ना, रिप्टाइल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिख लें कि दे आर इट इज़ रिप्टाइल। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि दियर स्किन इज़ कवर्ड विद स्केल्स। इसी तरह आप लोगों ने नीचे जो आप लोगों को जानवर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ दो दो खसूसियात इसके बारे में लिख लें, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने लास्ट में ये आंसर देने हैं। देखिए, दिस इज़ एन एलिफेंट, अ मेमल, ये मेमल है, ये कैसे सांस लेता है, ये काता क्या है, और ये बच्चे कैसे देता है। आप लोगों ने इसका आंसर देना है मुझे, और इसका आंसर मेरी वीडियो को, अगर आप लोगों ने पूरे लेक्चर को सुना हो ना, तो इसमें में ही इसका आंसर है जो आप लोगों ने मुझे अभी रिटर्न फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे अपना फीडबैक दे दें, और जितना भी आप लोगों ने सीख लिया इस लेक्चर से, अभी आप लोग पेज पे लिखकर मुझे सेंड कर दें अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।